एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो। मुंबई चा बाहर निकाला ना फायदे। उसका था सिर्फ पैसे और हमारा था ड्यूटी। कितने बजट में बनने जा रही है गदर 2? लीड रोल्स ने कितनी फीस की डिमांड की है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा, स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की नई वीडियो में। भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बनी गदर फिल्म 2001 की सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली फिल्म है। मेकर्स इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसे इस साल रिलीज करने की बात सामने आ रही है। इस बार भी एज अ लीड हीरो सनी देओल ही नजर आएंगे, वहीं उनकी को स्टार अमीषा पटेल ही होंगी। गदर के नन्हे कलाकार को याद करें तो आपको बता दे, गदर 2 उन्हीं को मेन लीड में लेते हुए बनाई जा रही है। इस बार सनी देओल के बाद वही मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनका नाम उत्कर्ष शर्मा है और वो काफी बड़े भी हो चुके हैं। गदर 2 में उत्कर्ष एक सैनिक अफसर की भूमिका निभाने वाले हैं और इस बार सनी देओल अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि मेकर इस पार्ट को बनाने के लिए एक बड़ा बजट लगा रहे हैं। वहीं बजट के साथ साथ मूवी के मुख्य किरदारों ने भी फीस की डिमांड जबरदस्त रखी है। चलिए इस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जब 2001 में गदर मूवी आई थी तो किसी को भी इसके ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद नहीं थी। उस समय मूवी का बजट 18 से 19 करोड़ तक गया था। वहीं इसने वर्ल्ड वाइड 106 करोड़ का कलेक्शन कर दिया था। अब जब मेकर्स को पता है कि ऑडियंस पहले पार्ट के दीवाने हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए भी मेकर्स खुल के पैसा लगा रहे हैं, जिससे मूवी कलेक्शन भी अच्छा करे और कई रिकॉर्ड्स भी नाम कर ले। कहा जा रहा है कि गदर 2 में 100 करोड़ से ऊपर का बजट जाने वाला है। ये तो रही मूवी के बजट की बात, अब आपको बताते हैं गदर 2 में पसंदीदा कलाकारों की फीस के बारे में। वैसे तो अभी मूवी के कास्ट और क्रू की फीस से जुड़ी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो फीस हम आपको बताने वाले हैं, उम्मीद की जा रही है कि उसी के आसपास हमारे पसंदीदा कलाकारों ने फीस की डिमांड रखी है। आपको बता दें कि गदर 2 में चरणजीत का किरदार कर रहे उत्कर्ष शर्मा ने 2 करोड़ तक की फीस की डिमांड की है। उत्कर्ष ने अपने बचपन में गदर 2004 में आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मूवी के साथ और भी कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन लीड हीरो के तौर पर उन्होंने 2018 में आई जीनियस मूवी से डेब्यू किया था। जीनियस मूवी में उत्कर्ष को पसंद नहीं किया गया था, लेकिन अब गदर 2 में सभी को उनसे उम्मीद है। मूवी में अगली लीड कलाकार हैं अमीषा पटेल, जिनकी फीस 3 करोड़ तक बताई जा रही है। एक्ट्रेस भी लंबे समय के बाद हमें किसी ब्लॉकबस्टर मूवी में दिखने वाली है। और लास्ट में आते हैं फिल्म के मेन हीरो सनी देओल, जिनकी फीस ज्यादा होना जायज है। कहा जा रहा है कि सनी देओल गदर 2 के लिए करीब 10 करोड़ रुपए तक फीस लेने वाले हैं। एक्टर भी एक लंबे समय के बाद बड़े बजट की फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो मूवी का बजट और कलाकारों पे फीस देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या आजकल की मूवीज के कंपैरिजन में गदर 2 पर मेकर सही बजट लगा रहे हैं? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।